आज प्रधानमंत्री को बड़ा इल्जाम लग रहा है कि सब कुछ प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो सरकारी में पिछले 30 साल में हो क्या रहा था? कौन जा रहा है सरकारी में जिसके पास पैसा नहीं है? तुम जाओ सरकारी हॉस्पिटल में किट बैग लगवाने और तुम्हारा हाथ कट गया लोहे से, और तुम सरकारी हॉस्पिटल चले गए, और जिस बंदे को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाना है वो मोबाइल में बात कर रहा है, वो बात करते करते उसे इंजेक्शन डाल दिया और पता लगा बगल वाले को डाल दिया, फिर वो पलट के चिल्ला भी रहा तुम्हारे ऊपर, कायदे से नहीं करवा पा रहे हो, फ्री है लेकिन जान जा सकती है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में एंटरटेन करते हैं आपको, गाना सुनाते हैं, पूछते रहते हैं, सर डर तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कभी कभी तो निडल टच करा के उठा लिया, तो सर पता चला? नहीं पता तो नहीं चला। हाँ कितना? 2200 रुपया। ये जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, सब गवर्नमेंट को पैसा, कोई भी गवर्नमेंट हो सब पैसा लेते हैं, सबको पैसा पहुंचाते हो। इनके खिलाफ कभी शिकायत करके देखो, इनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता। हर साल 2000, 5000, 10000 एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं हर साल। वो सरकार को जो देना है अपने घर से थोड़ी देंगे, तो माँ बाप से ही लेंगे। तो हर साल एक मैसेज भेज देते हैं क्लास सेशन के एंड के बाद, मेंटेनेंस ऑफ द स्कूल 5000 टू बी डोनेटेड बाय द पेरेंट्स। अब 2000 लड़के हैं, 5000 से मल्टीप्लाई कर लो, चला गया। तुम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल स्कूल इनकी बुराई करके देखो, जाके FIR को तुम ही को मारेंगे सब गिरा के। इस देश में सरकारी बचा ही क्या?